अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मी निशु। रात बहुत बुरी गुजरी है क्योंकि अनाविया सेट नहीं थी, सही रोले डाले थे उसने, तो मेरी रात बहुत बुरी गुजरी है। आज के दिन हम लोगों ने जाना है कराची, रात को 9 बजे फ़्लाइट है, मेरा वहाँ पे शूट है, तो उसकी थोड़ी बहुत तैयारियाँ करनी है। आई थॉट कि मैं आप लोगों को अपनी तैयारियों में साथ रखूँ कि क्या कुछ कर रही हूँ। आई डोंट नो कि मैं अनाविया के साथ वहाँ पर क्या करूँगी, बट मेरे हस्बैंड मेरे साथ जा रहे हैं, मॉरल सपोर्ट मेरा। सो लेट्स सी कि हम क्या करते हैं। जी वीडियो शुरू करते हैं, उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। सबसे पहले मैंने पैकिंग करनी है, फिर बाजार जाना है, तो चीज़ें लेनी है। हो सकता है मैं अनाविया को डॉक्टर पे दिखा दूँ, लेकिन कल रात को लेके गई थी, इतनी जल्दी रिकवरी नहीं होगी, थोड़ा टाइम लगेगा, हौसला रखना है। मेरे दिल को सुकून नहीं है, तो देखेंगे अगर टाइम हुआ तो मैं उसको डॉक्टर पर ले जाऊँगी। आधी पैकिंग हम बाजार जाने से पहले करेंगे और आधी पैकिंग बाजार से वापस आने के बाद करेंगे। सो लेट्स बिगिन। अनाविया के लिए जो है ना, मैं कपड़े निकाल चुकी हूँ। वैसे तो यहाँ पे बारिश ओले पड़े हैं तो खूब ठंड हो गई है, लेकिन कराची में होने वाली है गर्मी, एरोप्लेन में होगी ठंड, तो मैं फुल स्लीव वाले कपड़े पहनाऊँगी उसको। और मेरे ख्याल से होटल रूम में भी अच्छी खासी ठंड होनी है क्योंकि एसी लगा होता है, तो उसके लिए भी मैं उसके साथ गरम कपड़े ही लेके जा रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। तो मैंने कुछ कपड़े निकाल दिए हैं और एक जो वो पहन के जाएगी, क्योंकि एरोप्लेन में जो है, जहाज़ में जो है वो ठंड होती है, तो ये वो पहनाऊँगी निकलते हुए उसको। अपने साथ जो है, हो सकता है मैं ये वाला सूट लेके जाऊँ, ठीक है, और एक ये वाला सूट लेके जाऊँ। तो आप अपने पैर हटाएँ ज़रा। अब तो मैं तैयार हो गई बाजार जाने के लिए। बाजार में मैं आपको बिल्कुल विदाउट मेकअप मिलूंगी, कोई मेकअप शेकअप नहीं किया होगा मैंने। और कराची में हो सकता है कि थोड़ा घूमे फिरें, तो हो सकता है मैं आपको बिल्कुल विदाउट मेकअप मिलूं। पता नहीं आप लोग मुझे पहचान सकेंगे या नहीं, लेकिन मैं कुछ ऐसी ही दिखूँगी बाजार में। अच्छा जी, तो पैकिंग में स्किन केयर, मेकअप और ये चंद चीज़ें जो कि जाना बहुत ज़रूरी है मेरे साथ, जिनका जाना, जैसे कि ये आईकी ऑर्गेनिक की प्रॉपर किट है जिसमें वाइटनिंग चारकोल पाउडर आता है, लिप ऑयल आता है, लिप एक्सफोलिएशन आता है और लिप बाम आता है, ठीक है। ये चारों चीज़ें जो है ना balm.com है। एक तो लिप जो एक्सफोलिएशन है, ये आपके लिप्स पर से डेड स्किन को रिमूव कर देता है, आपकी लिपस्टिक जो है वो लॉन्ग लास्टिंग और स्मूथली अप्लाई हो जाती है। और जो वाइटनिंग पाउडर है ना, उससे आपके दांत जो है ना इतने चमकदार हो जाते हैं, आपकी सोच। लिप ऑयल तो बेहतरीन है और लिप बाम का तो आपको पता है। लिप बाम, लिप ऑयल जो है आप सुबह दोपहर यूज़ कर सकते हो, लिप एक्सफोलिएशन हफ्ते में एक बार। मैं और अनाविया, मतलब हम सब जो है वो एयरपोर्ट के लिए निकलने लगे हैं। लास्ट ईयर जब अनाविया ऑलमोस्ट 1 माह की थी तो हम लोग कराची गए थे, अब पूरे 1 साल की हो गई है तो हम दोबारा से जा रहे हैं, है ना ना वो। ओके जी, सो हमारा सफ़र जो है उसका आगाज़ हो चुका है। आई स्टिल रिमेंबर कि बहुत सारी लड़कियां जिनकी शादियां कराची में हुई हैं और उनके मायके यहां पिंडी और पेशावर में, कई सालों बाद वो आती हैं मायके, लाइक अल्लाह किसी का भी मायका इतना दूर ना रखवाए। खैर मैं भी 1 साल बाद ही जा रही हूँ, लेकिन बच्चों के साथ जो है या तो सिर्फ काम हो सकता है या बच्चों का ख्याल हो सकता है, फिरना टुरना जो है ना वो बहुत मुश्किल होता है। हम सिर्फ और सिर्फ डॉल्मन मॉल गए थे एंड यू वॉन्ट बिलीव कि हार्डली हम लोगों ने वहाँ पर घंटा गुजारा था, और घंटे के बाद जो है वो हम वापस आ गए थे। और डॉल्मन मॉल इतना ठंडा था, ऐसे लग रहा था स्वात या कालाम आ गए हैं हम, सर्दियों का जोड़ा पहनना चाहिए था। सो फिलहाल मैं इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पे ही फिर टूर रही थी। व्लॉगिंग इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, तो मैं बिल्कुल भूल गई थी कि मैंने बोलना क्या है, हंस के टाल दिया कि भाई भूल गई क्या बोलना था। आप ज़िंदगी में इतने ज़्यादा डस्टबिन देखे नहीं थे, देख के हैरान परेशान हो गई थी कि कप को सुटूँ तो किधर सुटूँ, समझ ही नहीं आ रहा था। चुके हैं आफ्टर 4 आवर्स। अनाबिया इधर आना, अनाबो
अच्छा जी, तो फाइनली 4 घंटों बाद हम लोग अपने होटल रूम पहुंच चुके हैं। फ्लाइट में क्या हुआ, वो जो एयर होस्टेस खातून जो होती हैं वो बोलती हैं, भाई अपने खाने की हस्बैंड खाने की पेटियाँ या क्या, वो फ्रंट पे जो ट्रे लगी होती है उसको ऊपर कर लें, हाँ खाने की मेज़ को ऊपर कर लें, जबकि खाने को कुछ दिया भी नहीं। बट खैर, अव्वल आखिर हम लोग यहाँ होटल रूम में पहुँच चुके हैं। आई थिंक मुझे आप लोगों को टूर देना चाहिए, बिकॉज बहुत खूबसूरत रूम है। एंड मज़े की बात, एक कंटेंट क्रिएटर को क्या चाहिए, एक हसीन और बड़े सारा विंडो, ताकि नेचुरल लाइट जो है वो डायरेक्ट अंदर आए और वीडियोस कमाल की बने, लाइक लिटरली इट्स ह्यूमंगस। ठीक है, बाकी मैं रूम भी आपको दिखाती हूँ, बहुत प्यारा है, लाइक अब आराम होने वाला है। कल हम कराची घूमेंगे, फिर उसके अगले दिन होगा शूट। तो लास्ट टाइम जब मैं आई थी अनाविया के साथ तो हम लोग ने सिर्फ काम किया था और फिर वापस चले गए थे, लेकिन इस बार जो है घूमेंगे फिरेंगे और फिर उसके बाद जो है वो काम पे जाएंगे। आई विश कि मैं आप सबसे मिल सकती, लेकिन कोविड की वजह से मैं आप लोगों से नहीं मिल सकती। अगर अपनी बात होती तो भी ठीक, लेकिन मेरे साथ छोटी है राइट, तो मैं नहीं चाहती कि वो बीमार हो। सो लव यू ऑल, और वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। सो लेट्स बिगिन, मैं आपको दिखाती हूँ ये बहुत ही हसीन डिसेंट सा रूम। अनाबिया जो है ना सही थक टूट गई थी, तो आखिर में इसने इतने रोले डाले और एक और भी बच्चा था वो, सो दोनों ने सही रोले डाले। तो ये है मेन एंट्रेंस, ठीक है, कमरे की। बाकी होटल आला, क्या कर रही हो, करने की कोशिश क्या कर रही हो? अच्छा जी, तो यहाँ पे है कबर्ड, इस तरफ है वॉशरूम, देन खाने पीने का सामान, फ्रिज, एंड देन दिस बहुत ही प्यारा रूम, लेकिन उससे भी ज़्यादा प्यारा शीशा, एंड उससे भी ज़्यादा प्यारा खिड़की। अपने लिए ढेर सारा खाना ऑर्डर कराया है क्योंकि बहुत सख्त भूख लगी है, और यहाँ आते हुए भी थोड़ा सा डिले हो गया था, तो हम खाएंगे और फिर सोएंगे। अभी रात के 2 बज रहे हैं, सो अभी मैं अपना फेस वॉश करूँगी, ठीक है, एंड दांत ब्रश करूँगी, और उसके बाद खूब खाना खाएंगे और फिर सो जाएंगे, और फिर सुबह उठ कर घूमेंगे फिरेंगे, आप लोगों को भी अपने साथ फिराएंगे। अच्छा जी, तो मैं ये पाउच फॉर्म लेके आई थी, ठीक है, टूथब्रश, वाइटनिंग पाउडर, ये है IQ ऑर्गेनिक का, ये फुल लिप सेट है, ठीक है, लिप किट है बेसिकली, जिसमें आपको वाइटनिंग पाउडर मिलता है, ठीक है, आपको लिप ऑयल मिलता है, लिप बाम मिलता है, एंड लिप स्क्रब मिलता है। जब हम लोग एरोप्लेन में बैठे, टेक ऑफ हुआ, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला मेरे लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए, क्योंकि ऊपर बिल्कुल ड्राइनेस हो जाती है, तो मैंने मेकअप भी नहीं लगाया था। अब मैं थोड़ा सा लिप्स को एक्सफोलिएट करूंगी, दांत ब्रश करूंगी और फेस वॉश करूंगी, क्रीम लगाएंगे, एंड दैट्स इट। सबसे पहले मैं दांत ब्रश करूंगी, ये दिखता कुछ इस तरह से है, ठीक है, बिल्कुल जेट ब्लैक। आपने करना क्या होता है, आपने पहले सबसे पहले टूथपेस्ट लेना है, थोड़ा सा टूथपेस्ट लेंगे, ठीक है। टूथपेस्ट लगाने के बाद जो है मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से टच करती हूँ, ठीक है, ये देखें नजर आ रहा है, इस तरह से देखें। अब इससे जो है मैं अपने दांत ब्रश कर लेती हूँ। ओके, सबसे पहली बात तो ये ऑर्गेनिक है, सेकेंड अगर आपके दांतों पे कॉफी स्टेन्स हैं, चाय के दाग, नीले पीले हो जाते हैं आपके दांत, तो इससे स्टेनिंग रिमूव होती है, आपके दांत जो है बिल्कुल ब्राइट वाइट हो जाते हैं। आप इसको रोज़ाना भी यूज़ कर सकते हो अगर आप करना चाहो, लेकिन मैं हर 2 दिन बाद इसको यूज़ करती हूँ, रोज़ाना यूज़ नहीं करती। हमेशा हमेशा रात को यूज़ करें, दिन में ना यूज़ करें।
इसके बाद मैं इसका लिप एक्सफोलिएशन यूज़ कर रही हूँ। इसकी बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी लेते हैं, फिंगर के साथ अपने लिप्स को अच्छे से स्क्रब करते हैं ताकि डेड स्किन जो है वो रिमूव हो जाए। आपके लिप्स पर से डेड स्किन को रिमूव कर देता है मॉइस्चराइजिंग, है आपके लिप्स को ड्राई बिल्कुल भी नहीं करता। आप इसको हफ्ते में एक बार मस्ट यूज़ किया करें, ठीक है। उसके बाद मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया फटाफट। सो उसके बाद मैंने क्रीम अप्लाई कर ली एंड देन मैंने लिप ऑयल बाय आईक्यू ऑर्गेनिक का यूज़ किया अपने लिप्स पर। बहुत थोड़ी क्वांटिटी चाहिए होती है। अच्छा, ऑयल मैं इसलिए जल्दी यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये डीपली पेनिट्रेट होता है आपके लिप्स के अंदर, ठीक है, और आपके लिप्स को जूसी बनाता है, आपके लिप के कलर को चेंज करता है, थोड़े रोजी रोजी पिंकी हो जाते हैं। सो लिप बाम इसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ। इसमें थोड़ा सा टिंट है, चुन्नू पुन्नू सा, जिससे आपके लिप्स जो हैं बहुत ही रोजी रोजी हो जाते हैं। और डीप मॉइस्चराइजिंग के लिए लिप बाम ज़रूर अप्लाई किया करें। दोनों प्रोडक्ट जो हैं आप रोज़ाना यूज़ कर सकते हो। अच्छा जी, तो इसके रिजल्ट्स बहुत कमाल है। अगर इसका कोड हुआ, कुछ डिस्काउंट हुआ, तो मैं यहाँ स्क्रीन पर मैंशन कर दूँगी, उससे आपको डिस्काउंट मिलेगा। मेरी तरफ से रिकमेंडेड है ये किट। आप दांत चेक करें भाई, लश पश हो रहे हैं, ठीक है दांत मेरे। अब मैं करीब से आपको दोबारा से ये प्रोडक्ट दिखा देती हूँ वन बाय वन। देखें, ये है लिप ऑयल जिससे आपके लिप्स काफी जूसी प्लम रहते हैं। देन इसमें शामिल है लिप एक्सफोलिएशन, चारकोल पाउडर। देखिए, चारकोल पाउडर जो है ना पाउडर फॉर्म में होता है ब्लैक, वो आपके दांतों पे फंसता नहीं है। जब आप कुल्ली शुली करते हो तो अच्छे से वॉश हो जाता है और आपको इंस्टेंट नजर आता है कि आपके दांत कितने वाइट हो गए। सो रात के 2 बजे बाहर बुआ बजे, हमने कहा कौन है, एंड ही सेड खाना, खाने में क्या है, आई वी ऑर्डर्ड पिज्ज़ा एंड साथ में फिश एंड चिप्स एंड सम ब्राउनीज मे बी, सब कुछ वॉज ओके, नॉट टू गुड। सो अगले दिन का आगाज़ किया, मैंने डिसाइड किया कि मैं कुछ कंटेंट बनाऊंगी, और कंटेंट बनाने के बाद जो है हम बाहर सैर सपाटे पे जाएंगे। लेकिन सब कुछ करते 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 4 बज गए थे, एंड फिर उसके बाद हम लोग बाहर गए, और बाहर हम सिर्फ डॉल्फिन मॉल गए और कहीं भी नहीं गए। तो सबसे पहले मैंने अनाबिया के साथ थोड़ा बहुत खेला, इसको फिर मैंने इसके बाबा के साथ बाहर भेजा थोड़ी सी वॉक पे, और वापस जब आई तो माशाल्लाह से सोई हुई थी। बस मैंने फटाफट कंटेंट बनाया और इसके उठने के बाद हम लोग बाहर चले गए। अच्छा, तो आपको जो इंस्टाग्राम पे 1 या 2 मिनट की जो वीडियो नज़र आती है उसके पीछे कितनी मेहनत होती है उसको आपको अंदाज़ा ही नहीं है। अच्छा, ये जो वीडियो मैंने बनाई है इंस्टाग्राम पे आपको मिलेगी ट्रांजिशन वीडियो, और ये बेसिकली मेरे ख्याल से हार्डली 12 सेकंड की है, लेकिन इसके लिए मैंने कितने जतन किए। अनाबिया को भेजा बाहर, उसको सुलाया, फिर उसके बाद सॉन्ग, फिर उसके बाद पोजिशन, जगह, एंड कुछ BTS भी दिखाऊंगी कि मैं थक भी गई थी, थक नहीं मतलब डर भी गई थी बीच में। जैसे ही रूम की घंटी बजी तो मेरी खुद की घंटी बज गई डर के मारे। तो बताने का मकसद ये है कि मेहनत बहुत लगती है कंटेंट बनाने में, लेकिन जब आप लोग लाइक ना करो, शेयर ना करो, तो फिर वो जो मोटिवेशन वाली घंटी होती है ना, वो बजना बंद हो जाती है। मतलब कि फिर दिल नहीं करता कि हम कोई काम करें, कुछ बनाएं कंटेंट, क्योंकि उस तरह से अप्रिसिएशन मिलती नहीं है जितनी हम डिज़र्व करते हैं अपने काम के लिए। तो प्लीज़ 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 लाइक कर लिया करें, शेयर कर लिया करें वीडियो को, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टेंट बना सकें आप लोगों के लिए और हम लोग डीमोटिवेट ना हो सकें। सो अब मैं भेज रही हूँ अनाबिया को, और उसके बाद मैंने कंटेंट बनाया है जो कि आपको इंस्टाग्राम पे मिलेगा। जाएं इंस्टाग्राम पे, मुझे फॉलो करें, लाइक करें। सो मैंने किया फटाफट अपना मेकअप, और मेकअप के बाद मैंने ट्रांजिशन बनाई जो कि मैं अभी आपको शायद दिखाऊं। नहीं यार, देखने के लिए तो इंस्टाग्राम जाएं ना आप लोग। होटल वालों ने मुझे पैसे नहीं दिए ये बोलने के लिए, बट होटल जो है ना बहुत प्यारा है। 360 डिग्री रोटेशन एंड इट्स सो प्रीटी। ओके, सो मेरा शूट हो गया डन। आधा मैंने रूम में
फिल्म किया आधा बाहर, एक बहुत प्यारी सी लड़की ने मेरी हेल्प की। अब अगेन मैं रूम में जा रही हूँ, चेंज करूँगी और फिर हम शॉपिंग के लिए बाहर जाएंगे। सो हम पहुंच गए डॉलमिन मॉल और यहाँ पर वैक्सीनेशन कार्ड मांग रहे थे। वैक्सीनेशन कार्ड के बगैर एंट्री नहीं दे रहे, सो मेक श्योर कि आप जहाँ जाओ अपना वैक्सीनेशन कार्ड ज़रूर लेकर जाओ अपने साथ। ग्रीनो पे हमने स्मूदीज ली अपने लिए एंड आई लव रेड वाली, आई फॉरगॉट द नेम कि क्या नाम था इसका। खैर आई सो वॉन्टेड टू विजिट जनरेशन क्योंकि इस्लामाबाद में बहुत दूर जाके एक ही शॉप है, तो आई थॉट कि मैं जनरेशन जाऊंगी, लेकिन अनाविया बहुत थक गई थी और उसको बहुत सख्त नींद आ रही थी और उसने हमें बहुत टफ टाइम दिया डॉल्फिन मॉल में, तो इसीलिए हम फटाफट वहाँ से निकल आए। लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड ने कैम्ब्रिज से शॉपिंग की, मैंने एथनिक से एक सूट लिया, ये वाला सूट ठीक है, एंड ये इसको क्या बोलते हैं काफ्तान, बहुत प्यारा है, विंटर सीजन के लिए सेल थी तो आई गॉट इट बहुत अच्छे रीजनेबल प्राइस में। मैं आपको इनकी परफ्यूम्स भी दिखा देती हूँ, इनकी परफ्यूम्स बहुत अच्छी हैं, अफोर्डेबल भी हैं और सुपर डुपर लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, लेकिन उनकी सेंट्स बहुत अच्छी हैं, लाइक 1690 तक को आपको एक परफ्यूम मिल जाएगी एंड सेंट कमाल की। आई हैव दिस ग्रीन वन और इसकी सेंट बहुत फ्रेश है, इसकी कॉस्ट सेल के बाद 1690 की है ठीक है। मुझे ये रेड वाला भी पसंद आया, इसकी भी सेंट जो है वो थोड़ी सी फ्रेश है, लाइट सेंट थी, सर्दियों के लिए बहुत अच्छी है ठीक है। सब कुछ फिर हम ज़ोरोस्की गए और वहाँ से मैंने ये ब्रेसलेट ख़रीदा है अपने लिए, ख़ुद को मैंने दिया एक गिफ्ट बिकॉज आई डिज़र्व इट। जब आप मेहनत करते हैं अपने लिए पैसे कलेक्ट करते हैं और कुछ चीज़ ख़रीदते हैं तो बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है एंड यू डिज़र्व इट, मतलब कि आप इतनी मेहनत कर रहे हो, कभी कभी अपने लिए गिफ्ट लेना इज़ बहुत अच्छी बात। सो आई गॉट इट, क्रिस्टल्स हैं इसमें, बहुत खूबसूरत लगता है ये हाथ पे, कैन यू सी हाउ प्रिटी। इसमें और भी बहुत सारे कलर्स थे बट आई लव दिस वन एंड आई गॉट इट। सो कुछ 10,000 रुपीज़ का था ये ब्रेसलेट। मुझे एक रिंग भी पसंद आई थी लेकिन आई थॉट इतनी फजूल खर्ची करने की ज़रूरत नहीं है, वी विल गेट दैट फिर कभी, बट अभी फ़िलहाल यही बहुत है। फिर हुआ कुछ यूँ कि अलमास से ख़रीदे हुए 3,500 के स्नीकर्स इतने कोई सख्त पत्थर के मेरे पैर टूट गए एंड आई डिसाइडेड कि बग़ैर जूतों के ही हम मॉल में फिर टूर लेते हैं, बिकॉज मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे पैरों का हाल क्या था। फिर मैंने हश पपीज़ से अपने लिए ये चप्पलियाँ ख़रीदीं जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं थी लेकिन ज़रूरत पड़ गई क्योंकि वो सख्त पत्थर शूज़ जो हैं मेरे पैर दुख पुख गए थे। उफ़ मुझे ना फजूल ख़र्ची से सख्त नफ़रत है, लाइक लिटरली आई डोंट नीड दीज चप्पलियाँ लेकिन लेनी पड़ी। खैर हम फटाफट वापस चले गए होटल। अगली सुबह जो है मैं फटाफट तैयार हो गई क्योंकि कॉल टाइम जो था वो 8 बजे था, मुझे शूट के लिए 8 बजे गाड़ी लेने आने वाली थी। मैं फटाफट तैयार हुई, इस मेकअप लुक की वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर मौजूद है, आप लिखें गेट रेडी विद मी फॉर शूट इन कराची, निशु ज़रूर लिखेगा साथ में और वीडियो आ जाएगी। हर होटल में ब्रेकफास्ट जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, तो मैं फटाफट नीचे आई नाश्ता करने के लिए। ओ माय गॉड, लाइक इनका नाश्ता नेक्स्ट लेवल का था। मैं इससे पहले एक और होटल में भी रह चुकी हूँ लेकिन कंपैरिजन उसके साथ मैरियट होटल इज़ द बेस्ट, लाइक लिटरली टू गुड। फ्रूट से लेकर जूसेस तक, पराठे से लेकर मतलब देसी खाने से लेकर वेस्टर्न खाने तक सब कुछ यहाँ पर मौजूद था, लेकिन आई लव देसी तो मैंने देसी खाना ही खाया। लेकिन आई लव द क्रोसेंट, क्रोसेंट किस तरह आप प्रोनाउंस करते हो आई डोंट नो बट आई डोंट केयर कि किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन द टेस्ट वाज सो गुड, सो फ्रेश। लिटरली मैं 2 बार उठी और मैंने उठाया और खाया, रिकमेंडेड मेरी तरफ से द ब्रेकफास्ट। इनका जो लंच और डिनर हम लोगों ने मंगवाया था बाद में रूम में ओकेश था, लेकिन द नाश्ता वॉज आउट क्लास। And can you see how classy the hotel is? I so wanted to create a lot of content, लेकिन टाइम की कमी की वजह से मैं बिल्कुल बना नहीं सकती। मेरा बड़ा दिल था मैं इस गड्डी के कोल खड़े होकर तस्वीर खींचा। खैर मैं आई क्यों थी कराची,
कराची में इसलिए आई थी कि मैंने दराज के साथ कोलैबोरेशन की है आप लोगों के लिए। दराज ला रहा है 11/11 की सेल, जिसमें मिलेंगे आप लोगों को बहुत सारी गुडीज़। उनकी डिटेल्स जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग साथ शेयर करूँगी। कमाल होने जा रहा है। लास्ट ईयर भी मेरे फॉलोअर्स को मोटरसाइकिल, मोबाइल और बहुत सारे गिफ्ट्स मिले थे दराज की तरफ से। इस बार भी इंशाल्लाह आप लोग ही जीतोगे। ये जो कैंपेन है ना, ये मेरे लिए नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए। मैं सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए यहाँ से कराची गई थी, क्योंकि दराज की 11/11 के सेल की वजह से हमें कुछ नहीं मिलने लगा, सिर्फ़ और सिर्फ आपको मिलेगा। आप लोग जितनी शॉपिंग करोगे उतने आपको गिफ्ट्स मिलेंगे इन रिटर्न। तो स्टे ट्यून्ड सेल के लिए, क्योंकि आप लोग अपने शॉपिंग कार्ट में चीज़ें पहले से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सिलेक्ट करोगे वो कार्ट में पड़ी रहेंगी और जैसे ही सेल ऑन होगी आप लोग वो शॉपिंग कर सकोगे। ये बेस्ट बात है दराज में। वैसे मुझे बहुत मज़ा आया दराज के स्टूडियो में ये शूट करने का कंटेंट, मैं बहुत जल्द आप लोग के साथ शेयर करूँगी। मैंने रिसेंटली दराज से बहुत सारी शॉपिंग की थी, मैंने इंस्टाग्राम की स्टोरीज पर आप लोग के साथ शेयर किया था। प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम की पर जो है वो फॉलो कर लो, तो आप लोगों को अपडेट्स मिलती रहेंगी कि मैं क्या यूज़ करती हूँ, क्या नहीं करती, क्या रिकमेंड करती हूँ, क्या नहीं करती, और ज़्यादा मैं एक्टिव भी वहीं पर रहती हूँ। शूट डन, अब बस सिर्फ थोड़ा सा काम रहता है और फिर मेरी छुट्टी हो जानी है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आई थी मैं 12 बजे फ्री हुई थी, आज 2 बजे फ्री हो जाना है मैंने। सो जैकेट जो मैंने पहनी है इट्स फ्रॉम शीन, ठीक है। ट्राउजर इज फ्रॉम लाइम लाइट, क्योंकि आप बहुत सारी लड़कियाँ मुझसे पूछती हैं लाइम लाइट से है 2 साल पुरानी, आई डोंट नो क्या मिलेगी या नहीं मिलेगी। अच्छा, इसके बारे में बहुत सारी लड़कियाँ पूछ रही थी, दीज आर फ्रॉम हर्ष पप्पीज, ठीक है। और बाकी जो मैं ड्रेस चेंज करने जा रही हूँ वो ऐलान करें, अब मैं चेंज करके आती हूँ। काम ख़त्म होने के फौरन बाद हम आ गए होटल रूम, एंड होटल पहुंचते साथ ही आई रिसीव्ड दिस फ्रॉम मैरियट होटल, थैंक यू सो मच हमारा ख्याल रखने के लिए। एंड ये खाने के बाद हम लोग ने चेकआउट किया, क्योंकि हमने जाना था वापस अनाबिया से मिलने। भाई ये मेरी सबसे छोटी बेटी है, छोटू बेटी छोटू। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, बाकी जो दिल में आए वो करिए। एंड मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूँगी, बिकॉज आज जो मैं हूँ आप सबके प्यार की वजह से हूँ, बहुत 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 शुक्रिया। एंड इसी तरह से प्यार निछावर करते रहिए, मैं इसी तरह से अच्छे अच्छे कंटेंट बनाती रहूँगी। एंड प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर दराज 11/11 की सेल, बहुत धमाकेदार सेल आने वाली है, उसकी डिटेल्स मैं आपको बहुत जल्द दूँगी इंशाल्लाह। एंड हमारी फ़्लाइट थी सो हम चले गए वापस। सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।